नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल सिंपल टैक्स सपोर्ट चैनल। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने फ़ोन को लैपटॉप से वायरलेस वाईफाई के थ्रू कनेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा फीचर है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको लाइव एग्जांपल करके दिखाता हूँ। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अपने लैपटॉप पर जाना होगा। लैपटॉप पर आप मेरे पास यहाँ पर विंडोज 7 है, तो मैं यहाँ पर आपको 7 में करके दिखा देता हूँ। इसमें सबसे पहले आपको जाना होगा विंडो मीडिया प्लेयर पर। यहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं और इसको ओपन कर सकते हैं। ओपन करने के बाद यहाँ पर आप राइट पर देखोगे, लेफ्ट पे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेंगे, स्ट्रीम का ऑप्शन मिल रहा है। यहाँ पर आप क्लिक करिए और क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे मोर सेटिंग, ये आपका स्ट्रीमिंग ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन आया, तो यहाँ पर अलाउ ऑल मेरे पास सिलेक्टेड है। तो अगर आपके पास सिलेक्ट नहीं है तो आप इसको अलाउ कर दीजिए। अलाउ करने के बाद आप फिर से अपनी जो मीडिया प्लेयर की जो सेटिंग्स थी स्ट्रीम वाली, उस पर जा सकते हैं। और वहाँ जाने के बाद इसकी आप दूसरी वाली सेटिंग जो ऑटोमेटिक अलाउ डिवाइस टू प्ले माय मीडिया, इस पर आप क्लिक करिए और यहाँ ऑटोमेटिक अलाउ कर दीजिए, जो ऑलरेडी मेरा है। ठीक है, अगर आपका है तो आपका कुछ इस तरह दिखाएगा। ठीक है, यहाँ इसके बाद आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ से आप स्ट्रीम पर जाकर, और ये थर्ड वाला जहाँ पर मेरे देख रहे हो, जहाँ से आप टिक लग गया, उसके बाद आपका सेकंड नंबर का ऑप्शन है अलाउ रिमोट कंट्रोल टू माय मीडिया प्लेयर, इस पर आप क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आप तो इसको अलाउ कर दीजिए। ठीक है, इसको अलाउ जैसे आप कर दोगे तो यहाँ पर आप अब सेटिंग्स में देख सकते हो कि यहाँ पर जो सेटिंग्स हैं वो मेरे डबल टिक आ गए हैं। तो यहाँ पर बस आपको यही सेटिंग करनी है अपने मोबाइल फोन, उस पर लैपटॉप पे आपको यही सेटिंग करनी है। उसके बाद आपको अपने मीडिया प्लेयर को अभी ऑन रहने देना है, उसको उठाना नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूं, आपको क्या करना है कि अपने फ़ोन को और अपने इस लैपटॉप को किसी भी एक वाईफाई के थ्रू कनेक्ट करना है। अब आप कहोगे कि आपके पास वाईफाई नहीं है, अगर आपके घर पर वाईफाई है तो आप अपने फ़ोन को और साथ ही इस लैपटॉप को, दोनों को एक ही वाईफाई से कनेक्ट कर दीजिए। अगर आपके पास वाईफाई नहीं है तो आप किसी अनदर फ़ोन को ले सकते हैं, किसी अलग से एक फ़ोन ले लीजिए, उसमें वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करिए। हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद भले ही उसमें नेट हो या ना हो, भले ही उसमें सिम हो या ना हो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी फ़ोन में आप वाईफाई को ऑन करिए, हॉटस्पॉट को, और उससे अपने इस लैपटॉप को और साथ ही जिस फ़ोन से आपको स्ट्रीमिंग करनी है उस फ़ोन को कनेक्ट कर दीजिए। आपके फ़ोन में नेट की कोई भी ज़रूरत नहीं है, ज़रूरत नहीं है कि आपका फ़ोन में ऐसा नहीं, ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ोन में नेट हो, कोई दिक्कत नहीं। आप अपने फ़ोन में नेट को ऑफ कर दीजिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे पास ये एक फ़ोन है, और यहाँ पर इसमें मेरा जो ये वाईफाई से कनेक्ट है, मैंने मेरे पास भी घर पर वाईफाई नहीं है तो मैंने अपने फ़ोन से ही एक वाईफाई हॉटस्पॉट ऑन करा था और उससे अपने फ़ोन को और साथ ही इस लैपटॉप को कनेक्ट कर दिया है। दोनों मेरे एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं, और कनेक्ट होने के साथ ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि मेरा वाईफाई से दोनों एक ही से कनेक्ट हैं। उसके बाद आपको करना ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, और प्ले स्टोर पर जाने के बाद आपको टाइप करना है बबल यूपी। ये एक ऐप है और ये आपको प्ले स्टोर पर आसानी से मिल जाएगा। ये DLNA पे कार्य करता है, और इसको कैसे काम करते हैं मैं आपको बता देता हूँ। इसको आप बड़ी आसानी से गूगल प्ले स्टोर से आप सिलेक्ट कर सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको करना ही है कि आप अपने इस वाले जो ऐप है, यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ रहे हैं। जब आप इसको इंस्टॉल करोगे तब आपको काफ़ी ऑप्शन के बारे में पता चलेगा। तो इसके राइट लेफ्ट पे एक सेटिंग्स है, वहाँ पर आप जाइए, और यहाँ जाने के बाद आप देखोगे लोकल रेंडर और साथ में लोकल एंड क्लाउड। तो आप लोकल पे क्लिक करेंगे, जैसे आप क्लिक करोगे तो ये जो कंप्यूटर है, ठीक है, ये कंप्यूटर मेरा ऑन, मैंने जहाँ से सेटिंग करी थी, जो मेरे जी निखार रहा है निखिल कंप्यूटर करके, तो इस पर आप क्लिक कर दीजिए। आपका जो भी नाम होगा लैपटॉप का वो आपका दिखाएगा। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर दिया, यहाँ पर देखो जी कनेक्ट हो गया। इसके बाद मेरे फ़ोन में काफ़ी चीज़ें हैं, मीडिया है, तो मीडिया पर मैं अभी वीडियो पर जाऊँगा, और वीडियो पर जाने के बाद मैं ऑल वीडियो पर जैसे सिलेक्ट करूँगा, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मैं इसको प्ले कर दूँगा। जैसे ही मैंने अपनी ये वीडियो प्ले करी, यहाँ पर आप देख सकते हो मेरे फ़ोन में जो वीडियो चल रही है, सेम वीडियो मेरे यहाँ पर लैपटॉप पे चल रही है। तो ये वायरलेस इस तरह कनेक्ट हो गया। उसके साथ ही अगर मैं अभी कोई दूसरी वीडियो, इसको मैं पॉज भी कर सकता हूँ, स्टॉप कर दिया मैंने, और साथ ही यहाँ पर मैं देखूँगा मीडिया में, मैं इमेज पे जाऊँगा,
और इमेज पे जाने के बाद मैं कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर ये कर दिया, अपना चैनल है उसका लोगो मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। देखिए सिंपल टेक्स्ट सपोर्ट चैनल, सिंपल टेक्स्ट सपोर्ट चैनल, ये मेरा हो गया। इसके बाद अगर मैं नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट भी हो गया। और एक मैंने ये बनाया था, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ठीक है, तो यहाँ पर हो गया। इसके साथ ही और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप कर सकते हो, जैसे कि म्यूज़िक है, म्यूज़िक में आप काफ़ी ऑल ट्रैक पे क्लिक कर सकते हो। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद मेरे पास काफ़ी सॉन्ग्स हैं, यहाँ पर मैं इसको प्ले कर देता हूँ। ये मेरे पास MP3 फाइल है, ठीक है, चलो इसको प्ले कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पर फ़ोन पे ही चीज़ें सिलेक्ट कर रहा हूँ, इमेज फाइल है, कुछ भी फाइल है, मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पर जैसे ही मैं उसको क्लियर करता हूँ तो यहाँ पर मेरा जी, मेरा ये भी इमेज थी, ये मेरा चैनल है, यहाँ देख सकते हो आप, ठीक है। और यस ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क कर रहा है, बिल्कुल भी लैग नहीं है। यहाँ दोस्तों लोगों को ये प्रॉब्लम होती है। और साथ ही एक चीज़ और है इसमें, इसमें क्या कर सकते हैं आप, जिस तरह आपने अपने फ़ोन की चीज़ों को इसमें चलाया था उसी तरह आप क्या कर सकते हैं कि अपने जो लैपटॉप हैं उसके जो गाने हैं वो भी अपने फ़ोन में चला सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आसानी से और बहुत ही आसानी से आप अपने फ़ोन के गानों को भी इसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि किस तरह आप अपने फ़ोन को वायरलेसली किसी भी लैपटॉप से आप कनेक्ट कर सकते हैं। उसके लिए बस केवल आपको एक एप्लीकेशन है, वो मैंने आपको बता दी, उस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है और आप बड़े आसानी से किसी भी फ़ोन से अपने लैपटॉप को कनेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, और साथ ही कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय, टेक केयर।